हेलो एवरीवन सो यर कम्स द हार्ट ऑफ वेब्रिजिजस कैलिब्रेशन ये सबके दिमाग में आता है हाउ डू वी कैलिब्रेट आर वेब्रिज हाउ फ्रीक्वेंट डू वी कैलिब्रेट वेर डू वी कैलिब्रेट फ्रॉम दीज आर क्वेश्चंस व्हिच ऑलवेज पॉप अप इनटू टू माइंड सो लेट मी टेल यू हाउ डू वी कैलिब्रेट व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर टू कैलिबरेट दे आर वेरियस वेज इन विच यू कैन कैलिब्रेट योर वेब्रिज मैं आपको कुछ प्रोसीजर्स अभी बताऊंगा वन इज टेस्ट वेट्स अगर आप अपने वेब्रिज को टेस्ट वेट्स से कैलिब्रेट करो दैट इज़ वन वे बट लेट मी फर्स्ट टेल यू वॉट इज कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन इज़ नथिंग एक सिंपल टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा कि उसके वेब्रिज के ऊपर आप एक वजन रखोगे और वो बताओगे आप अपने सिस्टम को कि इतना वजन इतना है तो इससे एक एक टेबल बन जाता है कि इतना अगर इतना है तो इतना सिग्नल पे इतना है तो इतना पे इतना होगा दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑट कैलिब्रेशन वर्क्स नाउ कमिंग बैक

100 टन या 50 टन या 80 टन के हैं तो आप उसको अगर दो स्टेप में करना चाहोगे विच इज कॉल्ड मल्टी स्टेप कैलिब्रेशन तो आप क्या कर सकते हो यू कैन कैन गेट गेट 10 टन टेस्ट यू अ वेहिकल फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ जहां से आपके बायर्स या सप्लायर्स मैच करेंगे वहां से आप उसको ले आओ और आप उसके अंदर पहले खाली गाड़ी से वजन कर लो फिर टेस्ट वेट को डाल के देखो उतना वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता दिस ए इंक्रीमेंटल वे ऑफ कैलिब्रेशन सो बेटर आप इसमें मत घुसो बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैलिब्रेट कैसे करवाओगे ये आप अपने करवाओग्रिज सप्लायर से समझो एंड दीज आर वेर एंड टू नो मोर वेज हाउ यू कैन कैलिब्रेट एंड लीव अस अ कमेंट सेक्शन एंड वील बी मोर देन द बेल आई कैन टू नो मोर अबाउटरेनब्रिज इज एंड इट्स एंड वील बी मच मोर एक्चुअली सेंड यू एंड शेयर दिस वीडियोज विद यू थैंक यू